कि पटियाला सलवार की कटिंग कैसे होगी। मेरे पास है 2.5 मीटर कपड़ा, पहले इसमें से देखते हैं कितना इसकी। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा, अब इसको पहले इसमें से मैं बेल्ट की कटिंग करके निकालती हूँ। पहले इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। बेल्ट की चौड़ाई मैं इसमें ले रही हूँ 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में इधर भी मार्का कर देना है। अब इसको सीधा मार्का कर देना, इसकी चौड़ाई देखना कितना है। इस 20 इंच इसकी चौड़ाई, इसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ज्वाइंट करूँगी। अब पहले इसको बेल्ट को कटिंग करके निकाल लेना है। अब बेल्ट को पहले कटिंग करके निकाल लेना है। इसको बेल्ट की कटिंग हो गई, मोहरी के लिए मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी। फिर इसको डबल फोल्ड में करते हैं। अब देख रहे हैं कितना है कपड़े बच रहे। अब ये 2 मीटर मेरे पास कपड़े हैं, ये साला 2 मीटर था, 2.5 मीटर नहीं था। पहले इसको डबल फोल्ड में करना, बराबर से बिल्कुल बिछा लेना है। इसको डबल फोल्ड में इसको बिछा लेना बराबर से। ये है इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। पहले देखना लंबाई से बैठ रहा की चौड़ाई से। ये इसकी चौड़ाई, पहले इसको बराबर से फोल्ड कर लेना है। फिर इसको ये 2 फोल्ड था, फिर इसको 1 फोल्ड और करना था, ये 4 फोल्ड हो गया है। अब इसकी चौड़ाई देखना कितना। मैं ले रही इसकी चौड़ाई 5 इंच। अब इसको ये बीच का पार्ट है, ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब इधर भी चेक कर लेना 5 इंच, इस साइड भी चेक कर लेना 5 इंच। अब ऊपर से इसकी लंबाई सलवार का, इसमें ले रही हूँ मैं 31 इंच। देखते हैं आसन कितना बच रहा है। आसन इसमें बच रहा है 9 इंच। अब यहाँ पे 3 इंच मोहरी के लिए, अरे भी सीधा इसको मार्का कर देना है, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इसको सीधा यहाँ मार्का कर देना है और यहाँ जितना 9 इंच इधर, तो 9 इंच इस साइड भी लेना है आसन के लिए। अब यहाँ से लेना है 9 इंच आसन के लिए। अब 3 इंच मोहरी के लिए लेना है। अब यहाँ से एक बार चेक करना है, इस साइड भी 31 इंच है कि नहीं, इस साइड भी 31 इंच है। आसन दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। अब इसको बीच में इंच टेप रखना है और इस मार्का को दोनों को सेंटर में इसको मिला लेना है। अब इसको कटिंग करके निकाल लेना है। अब इसको यहाँ से कटिंग करके, इसको निकाल देना है। अब जैसे जैसे मार्का लगा ऐसे इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ तक इसको 3 इंच मोहरी के लिए इसको भी कटिंग कर। अब इसको इतना जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल देना है। इतना एक्स्ट्रा इसको यहाँ कटिंग कर देना है और एक फुट का यहाँ पे लगाना है और एक फुट का इधर लगाना है। अब बीच में ज्वाइंट है, इसको भी कटिंग करके अलग कर देना है। यहाँ से इसको कटिंग करके अलग कर देना है। अब ये इसकी कटिंग हो गई है, ये इसका फ्रंट के साइड। अब इसको कली को मिलाना है। एक कली यहाँ से इसको जो फुट का लगा है यहाँ से इसके उल्टे के साइड यहाँ पे सिलाई लगेगा। एक कली इसी में ज्वाइंट है।
अब ये इसकी कटिंग हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।